मध्य प्रदेश में अंधविश्वास का आलम यह है कि कथित देव परियों के हाथ का पानी पीने के लिए सैकड़ों लोग जमा हो गए। देव परी बनकर बैठी दो महिलाएं पानी छिड़कते हुए भीड़ से कह रही थी, इसे पी लो, कोरोना छू नहीं पाएगा। इसकी खबर जब प्रशासन को लगी तब पुलिस ने पहुंचकर भीड़ को हटाया और देव परियों का ये आयोजन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजगढ़ जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम चाटुखेड़ा में अंधविश्वास का अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों व ग्रामीणों के अनुसार चाटुखेड़ा मंदिर परिसर में सुबह करीब 11-12 बजे के आसपास गांव की दो महिलाओं के शरीर में कथित देव परियों के आने से बड़ी संख्या में वहां भीड़ जमा हो गई। देखते ही देखते सैकड़ों महिला पुरुष मंदिर परिसर के बाहर इकट्ठा हो गए। इन परियों ने ग्रामीणों के ऊपर पानी छिड़क कर उन्हें मंदिर का पानी पीने को कहा। ग्रामीणों से कहा, यह पानी पी लो, किसी को कोरोना वायरस छू भी नहीं सकेगा। जिन्हें कोरोना है वे ठीक हो जाएंगे, उन्हें दोबारा कभी कोरोना नहीं होगा। यह खबर आसपास के गांव में फैल गई और भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस भीड़ को कोरोना का कतई डर नहीं था। यहां लोगों ने जल पीने के दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही भीड़ ने मास्क लगाया था। इस खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन की टीम चाटुखेड़ा पहुंची और अफवाह फैलाकर इस आयोजन को करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।